हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास और uh, ये हमारी करंट अफेयर जो क्रैश कोर्स चल रहा है uh, उसकी क्लास है फाइन एंड वी आर कवरिंग द इन्वायरमेंट सेक्शन हियर सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एवरीथिंग इज़ फाइन ऑल इज फाइन गाइड्स गुड इवनिंग एवरी चलिए स्टार्ट यहाँ पर हम करेंगे और uh, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग पी डी एफ एट्सट्रा ओके यू कैन रीच आउट टू मी एट दिस टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं फाइंड और अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज रिगार्डिंग द ओके इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन काम्बो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको ये डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं तो उसके लिए आप जा सकते हो ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी तक ये आपके डिस्काउंट्स हैं जहाँ पे आ, अगर आप कॉम्बो के साथ जा रहे हैं फॉर एग्जांपल वन ईयर के लिए सो इट वुड बी अराउंड फिफ्टी वन थाउजेंड ओके दिस वुड बी द फाइनल फी वैन यू यूज़ द कोड आर बी लाइव तो मेक श्योर वैन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग द कोड आर बी लाइव टू गेट पर्सनलाइज गाइडेंस चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है तो आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको दस से बीस हजार रुपये तक की बेनिफिट हो जाती है और एक पूरी प्रिपरेशन आपकी इंक्लूड हो जाती है ओके ऑल द रिसोर्सेज यू गेट एट वन प्लेस फॉर एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू ऑन दिस नंबर एज वेल फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है दिस इज द जियो प्रोजेक्ट इंडिया का पहला जो जियो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है तो जगह का नाम ध्यान रखना है और ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है कैसे वर्क करता है बहुत मतलब थोड़ा सा फ़ंडामेंटल बेसिक चीज़ें इसमें आपको याद होनी चाहिए अराउंड थ्री फोर मोर क्लासेस विल बी देयर है ना एक बच्चे ने पूछा है सर कब तक चलेगा आप करिए तो स्टार्ट तो करिए अभी एन्वायरमेंट को हम थोड़ा सा कॉम्प्रीहसिवली क्यों ले रहे हैं मतलब थोड़ा सा हमारा कवरेज अनवायरमेंट पे ज़्यादा क्यों है या हमने अनवायरमेंट को पहले क्यों लिया है इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ है ना कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना सारा पढ़ा दिया ये वो सो यू पी ने जब से आई है ना आई और जो आपके आई प्लस अदर सर्विसेज़ हैं उनको क्लब किया हुआ है मतलब आई के लिए और बाकी जो सिविल सर्विसेज़ हैं उनके लिए एक ही एग्ज़ाम हो रहा है प्रलिम्स का प्रलिम्स का तो तब से आपका एनवायरमेंट पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा है तो एनवायरमेंट से बहुत अनकन्वेंशनल वे के अंदर क्वेश्चन आते हैं है ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा दिस इज़ द वे यू शुड अप्रोच द एग्जामिनेशन है ना ऐसा अंधेरे में तीर नहीं चलाना है आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का नेचर क्या है किस तरह से वो फोकस कर रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं किन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है जैसे हमने लिया एनवायरनमेंट, उसी तरह से अगर आप सिलेबस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लोग यू विल गेट टू नो कि जैसे बुद्धिज़्म है ओके इंडियन फ़िलासफिकल सिस्टम है जैनिज़म हो गया भक्ति सूफी मूवमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है तो इस पार्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफर्ट वहाँ पर लगाना पड़ेगा है ना बिकॉज दिस इज द कॉम्पिटिशन अगर आपको आगे निकलना है कॉम्पिटिटर से सो यू नीड टू गेट दिस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसलिए हम थोड़ा सा इसको ले रहे हैं और यही आपका पर्पज़ है ठीक है इस क्लास का भी सो आई होप ये एक बच्चे का डाउट था ये आपका क्लियर हो गया होगा ये हम एनवायरमेंट का करंट अफेयर कर रहे हैं प्रोलिम्स के लिए है ना ये हमारी सेवन्थ क्लास है एंड यू आर आस्टिंग सच क्वेश्चन सो चलिए जियो प्रोजेक्ट लगाया गया है लद्दाख के अंदर जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहां पे लगाया गया है किसके द्वारा लगाया गया है ओ एन जी सी देयर और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन दोनों के बीच में ये आपका एक एग्रीमेंट हुआ है तो इसमें ये ओ आप याद रखिए तीन फेज में लाया जाएगा शुरुआत में थोड़ा सा फिर उसको बढ़ाया जाएगा फिर थर्ड फ़ेज ऐसा है तो ये और इसके अंदर क्या किया जा रहा है एच एल ग्रांटेड हंड्रेड फ्री पावर दी जाएगी जनरल पब्लिक को तो ये अच्छी बात है अच्छी बात है ठीक है और कहीं ना कहीं लद्दाख जो है बहुत सेंसिटिव एरिया के अंदर है अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो उसके जो रिपोकॉशन होंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा है ना वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि लद्दाख को हम कार्बन न्यूट्रल बना दें है ना गोल है कार्बन न्यूट्रल बनाने का लद्दाख को सो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव ओके वी आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग और जहाँ तक जियो पावर की बात है तो ये क्या करेंगे अर्थ की जो हीट है ना अर्थ की जो हीट है उसको यूज़ किया जाएगा तो उससे क्या हो रहा है गर्म पानी हो रहा है पानी से आपकी भाप बन रही है उससे टरबाइन घूम रहा है जनरेटर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फिर वो जो पानी है उसी को इस तरह से नीचे आपका वापस से इंजेक्ट किया जाएगा तो ये एक जनरल आइडिया है कैसे जनरेट हो रही है अब जहाँ तक जियो पावर की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है ना और ज़्यादा चांस है यहीं से पूछेगा लेकिन फिर भी ये भी पूछ सकता है कि अच्छा कौन से स्टेट में हुआ है किसके साथ समझौता किया गया पैक साइन किया गया एक्सेट्रा जियो थर्मल एनर्जी एक तो ये ध्यान रखिए रिन्यूएबल एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जैसे सोलर है विंड है तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसके आ, मतलब जो एनर्जी जिस सोर्स से आ रही है है ना वो कभी डिप्लीट नहीं होता वो रिन्यूएबल है जैसे सोलर एनर्जी के अंदर कहाँ से आ रहा है सन से एनर्जी आ रही है तो वो हमेशा है रिन्यूएबल है ऐसा नहीं है कि अब हो गया डेली सूरज नहीं रहा है, वो सिचुएशन अलग है तो वो फिर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है वो एक्सेप्शन नहीं ले रहे हैं हम इसी तरह से हवा हमेशा बहेगी ठीक है तो जियो एनर्जी है ये कैसे जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द हीट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ अर्थ जो होती है उसके अंदर अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जब हम जाते हैं अर्थ के अंदर तो जैसे ऑनियन होता है है ना प्याज होता है उसके छिलके की परत टाइप होती है तो उस तरह से तीन उसमें हमने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है अर्थ को ये हमारी अर्थ है और इसको आप देखोगे ये कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट बहुत पतली सी होती है ये सब चीज़ें आप एनसीईआरटी में पढ़ ली होंगी या तो आपने या आप पढ़ेंगे इनको इलेवन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है नई वाली वो अच्छे से कर लेना ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल रहते हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको दे देती है क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है ओके okay, मेंटल के नीचे फिर कोर होगा अब कोर को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है आउटर कोर और इनर कोर ठीक है तो यहां पे ये यह क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जो अर्थ के अंदर स्लो uh, डिके होता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का अर्थ के कोर के अंदर रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स है उनका डिके हो रहा है और इस प्रोसेस के अंदर uh, जितने भी जो रॉक्स हैं पूरा वो है वहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इनर कोर इज अबाउट टेन थाउजेंड ऑलमोस्ट इलेवन थाउजेंड डिग्री फॉरन हाउट जो कि सन की सरफेस uh, का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा अर्थ के इंटीरियर में जो ज़्यादा आपका प्रेशर होगा उसकी वजह से काफ़ी सारी uh, जो आपकी uh, ये हैं रॉक्स हैं सेमी मोल्टन स्टेज में आ जाती हैं प्लास्टिक स्टेट में आ जाती हैं ठीक है उसकी वजह से uh, यहाँ एक कन्वेक्शन करंट मूव करना स्टार्ट करता है फाइन तो इस तरीके से uh, जो जियोथर्मल एनर्जी आपका क्रिएट हो रहा है उसी को ये क्या कर रहे हैं उस जियोथर्मल एनर्जी को हार्डनेस किया जा रहा है यूज किया जा रहा है पीपल यूज जियो थर्मल हीट फॉर दाथिंग हो गया हीट बिल्डिंग किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कीजिए इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए पानी गर्म करने के लिए खाना पकाने के लिए आपने देखा होगा कई जगह पे खाना पकाने के लिए भी यूज की जाती है जियो थर्मल पावर इज कॉस्ट इफेक्टिव ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है रिलायबल भी है सस्टेनेबल भी है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि तो इसके अंदर कोई कार्बन एमिशन नहीं है ना अर्थ की जो गर्मी है उसी से पानी गर्म करके आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो सो दिस इज अ गुड थिंग कहाँ पे मिल रहा है ये नियर द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री क्या होती है जैसे हमने अर्थ को देखा था फाइन तो अर्थ क्या है अर्थ की जो क्रस्ट है या जो पूरा अर्थ को आप देखोगे तो देखने में सिंपल सा लग रहा है लेकिन अर्थ जनरली क्या है काफी सारी प्लेट्स से बनी हुई है काफी सारी इस तरह से प्लेट से बनी हुई है जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ आ, पुरानी जो बिल्डिंग होती है उसमें जो कमरा है ये हाउस है ये एक रूम है और यहाँ पे क्या होती है स्लैब रखी होती है पट्टियाँ रखी होती हैं इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ रखी होती हैं छत को कवर करने के लिए आजकल तो आर वगैरह डालने लग गए तो जिस तरह से ये छत को कवर किया हुआ है इन स्लैब्स की पट्टियों की मदद से वैसे अर्थ के अंदर क्या है डिफरेंट डिफरेंट शेप की बड़ी बड़ी क्या है ये प्लेट्स होती हैं तो अलग अलग प्लेट को अलग अलग नाम दे दिया जैसे इंडिया वाली जो प्लेट है ये इंडियन प्लेट हो गई इस तरीके से फिर ऊपर जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है तो जो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में इंट्रैक्शन हो रहा है प्लेट बाउंड्रीज़ में ये जो है ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और प्लेट जो इंट्रेक्शन होते हैं दो प्लेटों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पर हमें अर्थक्वेक क्यूक है ना वॉल्कैनों मिलेंगे या फिर अर्थक्वेक एक्टिविटी मिलेगी इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई की तरफ से एक नई राइस की वैरायटी डेवलप की गई है ये बहुत खास है लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं है तो इन राइस वैरायटी का नाम ध्यान रखना है और इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है वो ध्यान रखना है क्या ये कह रहे हैं ये है आपके uh, जो वेरायटीज़ हैं पूसा बासमती वन एंड वन ये नई वेरायटीज़ हैं जिनको इन्होंने डेवलप किया ये है ये वेराइटीज़ क्या हैं हर साइड टॉलरेंट वेराइटीज़ हैं और ये आपके क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है जीएम फूड क्या होता है जिसमें कोई फॉरेन जीन ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे कोई फॉरेन जीन का एडिशन नहीं है दैट्स आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड इनकी खासियत क्या है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे जो वीड्स होते हैं है ना जो खरपतवार उग जाती है उसको नष्ट करने के लिए क्योंकि आप मान लीजिए किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं पास में दूसरे पौधे भी उग रहे हैं तो उनका न्यूट्रिशन भी लेते हैं है ना प्रोड्यूस को कम करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं हरबी साइड हो गए वीडी साइड्स हो गए इनका यूज़ किया जाता है तो जनरली क्या होता है राइस का जो कल्टिवेशन होता है ट्रेडिशनल वे के अंदर ट्रेडिशनल वे में जो चावल को उगाया जाता है उसमें बहुत सारा पानी लगता है ओके इसलिए हम कई बार क्या है खाना वेस्ट कर देते हैं वो सही चीज़ नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे एक मुठ्ठी या एक किलो राइस को कल्टिवेट करने में काफ़ी है ना कई सौ लीटर या हज़ारों लीटर पानी का यूज़ किया जा रहा है तो राइस का जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कुछ इश्यूज थे और उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये वैराइटीज लाई गई हैं इन वैराइटीज़ पे हम वापस आते हैं पहले हम जो राइस कल्टीवेशन इशू है राइस कल्टीवेशन कैसे किया जाता है उसको एक बार देख लेते हैं ट्रेडिशनल आ, ये कैसे किया जाता है तो जो पैडी ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके अंदर क्या करते हैं फार्मर पहले नर्सरीज प्रिपेयर करते हैं जहां पे क्या होंगे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं राइस के उनको डेवलप किया जाएगा एक जगह पे इस के जो यंग प्लांट है उनको डेवलप किया जाएगा फिर वहां से उन प्लांट्स को हटा के एक जो फील्ड है खेत है जिसके अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ है उसको पडल किया हुआ है वहां पे उनको वापस से क्या किया जाएगा रीप्लांट किया जाएगा रीप्लांट किया जाएगा लगभग एक महीने बाद उस पडल फील्ड में जो कि हमेशा क्या है थोड़ा पानी से भरा रहेगा अब वहां पे ये जो आपका दिया जा रहा है आ, काफी सारा ये जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या है इरिगेशन दिया जाएगा वाटर डेफ चार से पांच सेंटीमीटर मतलब हमेशा वहां पे पानी भरा होना चाहिए उस खेत के अंदर इतना पानी वहाँ पे चाहिए तो ये जो पूरा प्रोसेस है पैडी ट्रांसप्लांटेशन का ये वाटर इंटेंसिव भी है अब आप पहले वहाँ पे उगाओगे फिर वहाँ से उखाड़ोगे फिर ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह उगाओ रखोगे है ना फिर खेत को तैयार करोगे तो ये क्या हो गया लेबर इंटेंसिव भी है इसमें लेबर भी ज़्यादा लग रही है पानी भी ज़्यादा लग रहा है तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ये यहाँ पे इशू ये क्रिएट हुआ पानी भी ज़्यादा लग रहा है लेबर भी ज़्यादा लग रहा है तो किसानों ने क्या किया कुछ ऐसी राइस की वेराइटीज़ डेवलप की फाइन जो कि ये जो हरबी साइड है वो टॉलरेंट है क्योंकि राइस की जो वेराइटीज हैं जनरली वो क्या है हरबी साइड टॉलरेंट नहीं है तो वहां पर अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हो खरपतवार को नष्ट करने के लिए तो वो क्या करेगा वो राइस के प्लांट को भी डैमेज कर देगा तो किसानों ने हालांकि ये लेबर इशू वाटर इशू की वजह से पहले से ही काफी सारी वेराइटीज को आ, मतलब यूज करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन वो काफी महंगी थी अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे एक अच्छा तरीका क्या है जिसकी वजह से पानी भी कम लगेगा और लेबर भी कम लगेगा अगर हम राइस को पैडी को डायरेक्ट कल्टीवेट मतलब डायरेक्ट सो कर लें मतलब डायरेक्ट जैसे हम गेहूँ उगाते हैं है ना डायरेक्ट उसकी सोइंग कर दें तो वैसा अगर हम कर सकें जिसके लिए कोई नर्सरी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना अगर हम जैसा गेहूं उगाते हैं उसी तरह से अगर हम इसको उगा सकें सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग और इस मेथड को क्या कहा जाता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे चांसेस हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड में क्या होगा अभी जो हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड में वो नहीं करना पड़ेगा आप डायरेक्ट उसको जमीन में उगा दीजिए जैसे गेहूं का आप कल्टिवेशन करते हो इसमें क्या होगा आ, आप उसको उगा तो रहे हो लेकिन अब वहां पर क्या है वो जो पानी है पानी भरा हुआ था वो नहीं रहेगा तो पानी क्या कर रहा था वाटर क्या कर रहा था एक तरह का नेचुरल हर्बिसाइड था क्योंकि वो वहाँ पे पानी इतना इतना भरा हुआ है तो कोई दूसरा प्लांट उसमें कल्टीवेट नहीं होता है ठीक है ना केवल राइस वहाँ पे रहेगा तो ये जो हरबी साइड खरपतवार वाला इशू था ये हमें आ, नहीं था अब आप क्या कर रहे हो डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हो डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हो राइस की तो इस मेथड के अंदर क्या होगा खरपतवार का इशू होगा अब आपके पास में दूसरे वीड्स वगैरह हो गए हैं तो उसके लिए अगर आप केमिकल यूज़ करोगे तो वो केमिकल कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेगा कि ये खरपतवार है और ये राइस है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया नई राइस की वेराइटी डेवलप की नई राइस की वैरायटी डेवलप की पूसा बासमती वन नाइन सेवन नाइन और एट फाइव अब ये क्या है ये रेजिस्टेंट है किसके लिए ये जो आपका हरबी साइड है इमेज थेपर ओके आ, ये आपका हरबी साइड है इसके लिए ये क्या है ये रजिस्टेंट है और देर इज नो नर्सरी प्रिपरेशन एंड ऑल इज रिक्वायर तो आप क्या करोगे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कर दोगे और इस हरबी साइड को आप यूज कर लोगे जो काफी सस्ता भी है क्योंकि पहले भी कई किसान कर रहे थे लेकिन आ, उसके अंदर क्या था अगर आप देखोगे तो ये काफी कॉस्टली था फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये कुछ अरबी तो भी आपके ठीक है लेकिन ये काफी कॉस्टली यहाँ पे थे इन कंपैरिजन टू दिस इमेज था और ये काफी सस्ता है तो किसानों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कल्टीवेशन करना तो उस वजह से ये जो uh, पूरा uh, डिस्कवरी है पूसा बासमती की ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है और इसके अंदर क्या है कंटेन म्यूटेटेड एसिटोल सिंथेज जीन मेकिंग इसकी वजह से ये क्या हो रहा है ये पॉसिबल हो गया है कि वो इस हरबी साइड को स्प्रे कर सकते हैं और उसकी वजह से राइस के प्लांट को कोई डैमेज नहीं होगा लेकिन जो वीड है खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगी क्लियर तो ये पूरा इशू समझ आ गया इसमें दो तीन चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है एक तो इनका नाम ध्यान रखना है एक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है ठीक है ये ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर क्वेश्चन बनने के चांस आपके हैं नेक्स्ट हमारे पास है ठीक है फर्स्ट एवर स्टडी हैसिस नेटिव स्क्रल जो है आपकी ये जो गिलैरियाँ हैं उनके ऊपर अब संकट मंडरा रहा है तो इसको देखते हुए थोड़ा सा इशू है देखिए जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन किया है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है प्रॉब्लम्स का जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं और डेली बेसिस पे शाम को सात बजे जो आपकी क्लास होती है है ना वहाँ पर हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं संडे को एक बड़ी क्लास हम रखते हैं जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन उसकी भी एक क्लास हो चुकी है लगभग तीन घंटे की एक क्लास है तो वहाँ पर करेंगे और कितना करंट अफेयर पढ़ना है बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कितना करंट अफेयर पढ़ना है तो इसके अंदर सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको जनवरी 2021 से मिनिमम जो है जनवरी 2021 से और अभी जो प्रॉब्लम्स है जैसे जून में है है ना तो अप्रैल तक का आपको करना है अप्रैल तक का यहाँ तक आपको करना है तो लास्ट एटीन मंथ का तो हम करेंगे कोशिश ये की जाएगी कि अगर हमारे पास समय बचता है तो लास्ट के टू ईयर का आपको कवर करा दिया जाए ताकि रॉक सॉलिड कवरेज हो जाए करंट अफेयर का और हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट कवर कर रहे हैं एनवायरमेंट का हमने कवर किया है तो ये मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाना लिंक मैंने शुरू में भी शेयर किया है एंड में भी शेयर कर दूंगा या आप राहुल भरद्वाज नाम से भी सर्च कर सकते हो तो इस टेलीग्राम पे आपको मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा जो शुरू के लेक्चर हो रहे हैं उनकी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं ठीक है और कोई डाउट क्योंकि तो मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चे नए हैं यहाँ पे है ना तो मेक श्योर ये हमारी सातवीं क्लास चल रही है शुरू में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए हैं तो उन टॉपिक्स को आप अप्रोच कीजिए किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ये सब चीज़ें आपके पास में वहाँ पर रहेंगी ट्वेंटी के लिए कब करना है तो वही अट्ठारह महीने तो आपका मिनिमम है है ना अगर मान लीजिए ट्वेंटी थ्री का एग्जाम आपका जून दो हजार तेईस में होता है तो आप जून दो हजार जनवरी दो हजार बाईस से लेके और वही अप्रैल तक आप कवर करोगे ठीक है वही है है कम कम से कम महीने का तो आपको करना है। अगर दो साल तक का आप कवर कर लेते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट एवर स्टडी नेटिव जो है ये खत्म हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से 2050 के बाद ये स्टडी आई और इसमें कहा गया ये स्टडी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भारत की अपनी स्टडी है जिसमें कहा जा रहा है गिलहरी जो है खत्म हो सकती है वैनिश हो सकती है अब ये जो स्क्रल है कहाँ कहाँ मिलती है क्या केवल इंडिया में ही मिलती है इंडिया में कौन सी जगह पर मिलती है इसके अलावा और कौन सी स्क्रल्स हैं ठीक है इसका जो कैटेगरी स्टेटस है वो क्या है ये कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सो वी हैव दिस मलायन जाइंट स्क्रल ये जो आपको दिख रही है बड़ी सी गिलहरी है इसका नाम है मलायन जाइंट स्क्रल तो ये जो गिलहरी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलती है और इसको नाम को पढ़ के ये कन्फ्यूज मत होना कि इंडिया में नहीं मिल रही है इंडिया में मिलती है कहाँ कहाँ पे मिल रही है वेस्ट बंगाल सिक्किम आसाम अरुणाचल मेघालय नागालैंड मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलमोस्ट मेजर स्टेट जो हैं और वेस्ट uh, बंगाल को भी इंक्लूड कर लीजिए वहाँ पर ये मिल रहा है अब ये जो स्टडी है ये कह रही है कि ये ख़त्म हो जाएगी वैनिश हो जाएगी इसका क्या रीज़न है कि इनका जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत तेजी से इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसकी वजह से ये जो है फिनिश हो सकती हैं वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्वेल है दैट हैज डार्क अपर बैग ठीक है ये अपर बैग कैसा है उस पर ध्यान मत दीजिए अब क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छा ये जो स्पीशीज है लिस्टेड एज इनकी जो लिस्ट है उसके अंदर नियर थ्री के अंदर आपका है और इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्ट नाइनटीन सेवन एक्ट है इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में छह शेड्यूल हैं जिसका मैंने जिक्र किया था तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन आपका दिया हुआ है मलायन जायंट स्कूल की बात करें तो ये क्यों थ्रीटर्न है ये हम बात कर चुके हैं बर्न झूम कल्टीवेशन इज वन ऑफ द रीजन ओके क्रॉप कल्टिवेशन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट है ये डिफॉरेस्टेशन है ये सारे रीजन है मलायन जाइंट स्कल और कहाँ पे मिल रही है सदन चाइना थाईलैंड लाओस ओके मलायन पेनिनसुला सुमात्रा जवाब मतलब इंडोनेशिया साउथ uh, ईस्ट जो एशियन नेशन है वहां पे भी मिल रही है चाइना में भी मिल रही है तो इंडिया के अलावा और भी देशों में मिल रही है अगर कहा जाता है केवल इंडिया में ही मिलती है ओनली इन इंडिया तो वो स्टेटमेंट गलत होगा क्लियर तो दिस इज द थिंग और इंडिया के अंदर क्या क्या यहां पे मिल रहा है उसको देख लेते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इंडिया इज होम टू थ्री जाइंट स्पीशीज एक तो हो गया मलायन जायंट स्क्रल इसके अलावा दो जायंट स्क्रल और मिलती है वो मिलती है पेनिनसुलर इंडिया में पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो चारों तरफ पानी से ये घिरा हुआ है ये वाला पार्ट पेनिनसुलर इंडिया में दो और स्क्रिल्ड स्पीशीज है इनका नाम ध्यान रखिए वी हैव इंडियन जायंट स्क्रल और ग्रिजल्ड जायंट स्क्रल ये दोनों आपकी पेनिनसुलर इंडिया में मिल रही है सो दिस मच यू शुड रिमेंबर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छा मलायन जायंट स्क्रल है इसको और तीन चार एनिमल के साथ ऐड कर देगा इनमें से कौन सा इंडिया में मिलता है नहीं मिलता है इस तरीके से सो दिस इज द थिंक ब्लैक टाइगर को हम आगे लेंगे मेलानिस्टिक टाइगर भी इसको कहा जाता है इसको हम सिमली पाल के साथ ऐड कर देंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फायर फ्लाइज टू शाइन अ लाइट और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ रहा था तो इसमें क्या है ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर बर्ड है ना देखने में ऐसा लगता है देखिए काफी बड़ा बर्ड है ये ऑस्ट्रिच कुछ देखने में ऑस्ट्रिच जैसा लगेगा प्लीज हैव अ लुक ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लग रहा है तो ये क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज है मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे आज डायनासोर क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो उसी तरह से इनके एग्जिस्टेंस को खतरा है अब हो क्या रहा था ये जो न्यूज हमने पढ़ी है किस कॉन्टेक्स में आई है ये न्यूज कह रही है कि जो हाई टेंशन लाइन्स लग रही है उसके तार बहुत पतले होते हैं और इनको दिखते नहीं है काफी दूरी से और जब तक इनको दिखाई देता है कि यहाँ पे ये यह हाई टेंशन वायर लगा हुआ है इस तरह से तो इनकी बॉडी इतनी बड़ी है कि ये अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाते और उससे इनकी कॉलिजन हो जाती है टक्कर हो जाती है और करंट लगने से इनकी डेथ हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो उसकी वजह से एक अलग ही इनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू सामने आ रहा है तो इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कहा कि ये जो फायर फ्लाईज है मतलब देखने में ये जो फ्लैप्स हैं व्हाइट फ्लैप टाइप इस तरह से फायर फ्लाई की तरह दूर से दिखेंगे चमकते हुए तो ये दिख जाए ताकि इनको दूर से ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर तार है हमें अपना रास्ता बदलना है क्लियर तो उस कॉन्टेक्स में ये था हमें ये क्या ध्यान रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आ, कहां कहां पे मिलता है और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो भी एरिड सेमी एरिड एरियाज हैं वहां पे मिल रहा है राजस्थान का स्टेट बर्ड भी ये है राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है और क्रिटिकली एंडेंजर है इसकी मैं बात कर चुका हूँ क्रिटिकली एंडेंजर एंडेंजर और वल्नरेबल ये जो तीनों आपके हैं तीनों कैटेगरीज हैं इन तीनों कैटेगरीज के, के अंदर कोई भी स्पीशीज है तो उसको क्या कहा जाएगा थ्री स्पीशीज थ्री स्पीशीज के अंदर आएगा तो ये तो क्रिटिकली इनडेंजर सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्या है रिस्क फैक्टर है साइट्स जो है साइट्स आपकी एक कन्वेंशन है जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं ये क्या करती है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके अंदर ट्रेड को रेगुलेट कर रही है तो उसके भी अपेंडिक्स वन में दिया हुआ है मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में दिया हुआ है मतलब यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन है एक टॉपिक हमने किया था जिसमें हमने लीफ नोज्ड लीफ नोज्ड बैट की बात की थी कोलार की लीफ नोज्ड बैट की बात की थी और उनको यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं था प्रोटेक्शन नहीं था है ना याद होगा आपको हमने एक दो लेक्चर पहले डिस्कस किया था तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बैट होती है वो क्या है वर्मिन है इनको वर्मिन डिक्लेयर किया हुआ है तो उनको क्या है परमिशन के साथ इस तरह से आप क्या कर सकते हो आ, किल किया जा सकता है जैसे रिसस मंकी है नीलगा है ये सब ये शेड्यूल फाइव में आते हैं सी एम एस माइग्रेटरी स्पीशीज के अंडर भी इसको प्रोटेक्शन है और आपको क्या ध्यान रखना है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज है फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या होता है कल मैंने आपको की स्टोन स्पीशीज बताई थी कल हमने क्या किया था स्नो लेपर्ड किया था इंडियन लेपर्ड किया था उससे पहले हम चीता कर चुके हैं टाइगर कर चुके हैं ठीक है ये डॉल्फिन हम कर चुके हैं इंडियन एलिफेंट कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने काफी सारे कवर कर लिए हैं स्टोन स्पीशीज मैंने आपको बताया था इंडिकेटर स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला स्पीशीज मैंने आपको बताया था याद आ रहे हैं ये नाम यहां से यूपीएसटी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये एक ऐसा एरिया जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं की स्टोन स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज क्या होती है जिनका नंबर तो कम है है ना लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा है जैसे टाइगर हो गए टॉप प्रीडेटर हो गए है, है। और, और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला होती है जिनका क्या है? हैबिटेट बहुत बड़ा है जैसे एलिफेंट हो गया उसको बहुत सारा एरिया चाहिए तो जब आप किसी अम्ब्रेला स्पीशीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो जैसे आपने प्रयास किया कि टाइगर का प्रोटेक्शन हो जाए प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में एलिफेंट का प्रोटेक्शन हो जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में तो उसमें क्या होगा और बहुत सारी स्पीशीज को ऑटोमेटिक कंजर्वेशन मिल गया क्योंकि इनका इतना बड़ा एरिया है मान लीजिए टाइगर को इतना एरिया चाहिए तो उसके अंदर इतने एरिया में एक टाइगर अगर रह रहा है तो वहाँ पे काफी सारे लेपर्ड को एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये होता है अम्ब्रेला इफेक्ट और ऐसी स्पीशीज को अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है ठीक है एक थी इंडिकेटर स्पीशीज इंडिकेटर स्पीशीज क्या है जैसे हम बटरफ्लाई की बात करते हैं है ना ड्रैगन फ्लाईज हो गई तो ये क्या इंडिकेट करती है इको की हेल्थ जैसे ड्रैगन फ्लाई अगर किसी वाटर बॉडी पे मिल रही है तो वहां का पानी साफ़ होगा ये इंडिकेट कर रही है अब ये है फ्लैगशिप स्पीशीज़ फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या है इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि एन्वायरमेंट कंजर्वेशन को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहा है है ना टू बी वेरी स्पेसिफिक किसी एनिमल को या पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को एनवायरमेंट इकोसिस्टम को आपको कंजर्व करना है तो आप क्या करते हो किसी एक स्पीशीज़ को प्रमोट करते हो है ना जिससे लोग अटैच हो, हो सके इमोशनली जैसे चाइना के केस में किसको किया गया जो जायंट पेंडा है है ना आपने देखा होगा पेंडा का बहुत हर जगह पे फोटो आती है एड होता है इंडिया के अंदर टाइगर को बहुत फोकस किया जाता है कहीं पे भी अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात होगी एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो टाइगर की फोटो जरूर दिखेगी फाइन तो ये सब चीज़ें हैं ये क्या होती हैं इस तरह की स्पीशीज़ फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव uh, को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है वहाँ के सोशल कॉन्टेक्स पे जैसे चाइना ने जान्ट पेंडा को डिक्लेयर कर दिया इंडिया के अंदर टाइगर को प्रमोट किया जा रहा है या फिर एलिफेंट है या फिर यहाँ पे हम अगर ग्रासलैंड देखेंगे तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रमोट इन्होंने कर दिया सो इट डिपेंड्स हर जगह पे ये चेंज होता है क्लियर है तो दिस इज द थिंग ये आप ध्यान रखिए इसके अलावा ये कहाँ पे मिल रहा है ये एक डेजर्ट नेशनल पार्क है ना राजस्थान में आपका सिचुएटेड है डेजर्ट नेशनल पार्क वहाँ पे आ, इनका ब्रीडिंग आ, सेंटर काफ़ी है तो डेजर्ट नेशनल पार्क की लोकेशन ध्यान रखिए ये राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है जैसलमेर और बाड़मेर ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं तो बिल्कुल बॉर्डर आ जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है वहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट है पार्क है यहाँ पे आपके सैंड ड्यून्स हैं है ना रेतीले जो टीले होते हैं सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ पार्क के पार्क यहाँ पे एरिया में फॉसिल uh, मिल रहा है डायनासोर का जो कि मिलियन ओल्ड है ये चीजें ध्यान रखिए डेजर्ट नेशनल पार्क पे आई थिंक बीस में ही एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अगर आपको इतनी सी पता होगी यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट है आइलैंड इफेक्ट या आइलैंड इफेक्ट क्या होता है इसे एक बार देख लेते हैं आइलैंड इफेक्ट ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे फाइन uh, ये बहुत ही एक छोटा सा रेप्टाइल uh, है क्लियर वर्ड्स स्मॉलेस्ट रेप्टाइल अब इसका आप देखने में छोटा कैसे लगेगा आप इसको अपनी फिंगर से ये कंपैरिजन कीजिए है ना ये फिंगर फोटो में बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको मेरी फिंगर से आप ये कंपैरिजन कीजिए मैंने यहाँ पे फिंगर लगाई है इससे कंपैरिजन आप करिए तो ये बस मेरी फिंगर पे इतना सा आएगा मतलब देखने में ही जो फोटो में इतना बड़ा लग रहा है बिल्कुल छोटा सा होगा तो ये वर्ड का सबसे स्मॉल रेप्टाइल है अब इसका नाम वगैरह और ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आईलैंड इफेक्ट क्या होता है आईलैंड इफेक्ट क्या होता है अब इसको अर्बन जो हीट आईलैंड इफेक्ट है उससे कंफ्यूज मत करना अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट है उसमें क्या होता है जो अर्बन एरिया होते हैं ठीक है ये मान लीजिए अर्बन एरिया है ना यहाँ पे बिल्डिंग्स है अर्बन एरिया में क्या होता है बहुत ही आ, मतलब नहीं के बराबर कोई वाटर बॉडीज़ होती हैं या ग्रीन स्पेस होते हैं पार्क भी है तो गिने चुने पार्क है है ना और पूरा स्पेस कंक्रीट से बिछा रहता है बहुत क्लोज क्लोज़ बिल्डिंग्स है तो ये क्या होता है जब आ, दिन का टाइम है तो यहाँ पर गर्म हो रहा है और कंपेरेटिवली जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर नेचुरल ग्रीनरी है थोड़ा सा कोई वाटर बॉडी है कुछ भी है उसके कम्पेरिजन में यहाँ पर ये जो अर्बन आपके एरियाज़ हैं यहाँ पर क्या टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा होता है है ना तीन चार पांच डिग्री तक फर्क पड़ जाता है है ना उससे ज्यादा भी हो सकता है तो इस इस एरिया के अंदर जो ये हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट दिस इज डिफरेंट ठीक है ये आपका क्या है ये आइलैंड इफेक्ट है ये क्या कह रहे हैं आइलैंड इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपके एक छोटे आईलैंड हैं है ना छोटे आइलैंड है तो वहां पे अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वहां पे एनिमल्स जो हैं जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है या जो भी एनिमल्स वहां पे उनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होगा इन कंपेरिजन टू अगर कोई बड़ा एरिया है है ना वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पे उन एनिमल का साइज बड़ा होगा तो इसे कहा गया आइलैंड इफेक्ट आइलैंड इफेक्ट एक रीजन हो सकता है इसके छोटे साइज का आइलैंड इफेक्ट को फोस्टर रूल भी कहते हैं फोस्टर एज द आईलैंड रूल और द आईलैंड इफेक्ट ये क्या कहता है ये कहता है कि मेम्बर्स ऑफ ए स्पीशीज छोटे और बड़े होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अगर छोटी जगह है तो वो छोटा होगा साइज बड़ी जगह है तो बड़ा होगा क्लियर ये हो गया आइलैंड इफेक्ट और इसके साथ ही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट अगर आपको नहीं पता था तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट <laughs> हम आते हैं एक्सटिंक्शन रिबेलियन ये क्या है एक्सटिंक्शन uh, रिबेलियन जो है रेफर टू द एक्सआर इसको एक्सआर भी कहते हैं और ये एक तरह का इंटरनेशनल uh, लेवल का नॉन uh, आपका वॉयलेंट है ना पॉलिटिकली नॉन पार्टीसन मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी पर्टिकुलर देश से इसका रिलेटेड नहीं है कोई एक जगह से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है एक्सटिंक्शन रिबेलियन एक इस तरह का मूवमेंट है जो कि यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया और यहाँ पे ये यह क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि एन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सो दिस इज द राइट टाइम कि आपको एक्शन लेना है ठीक है ना एक्शन लीजिए अभी नहीं लोगे तो कब लोगे उस कॉन्टेक्स्ट uh, के अंदर ये कह रहे हैं कि गो बियॉन्ड द पॉलिटिक्स और आप क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कीजिए दिस इज अ काइंड ऑफ इकोलॉजिकल इमरजेंसी कैसे पूछ सकता है एक्सटिंक्शन रिबेलियन हैज बीन इन न्यूज तो क्या है ये क्या कोई एक्सटेंशन हुआ था पास्ट में नई डिस्कवरी हुई है वो है या कोई मूवमेंट है ऐसे करके ऑप्शन दिए जाएंगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर नेक्स्ट है पेरू डिक्लेयर्स एनवायरमेंटल इमरजेंसी फॉलोइंग ऑयल स्पिल ऑयल स्पिल की वजह से जो इमर पेरू है वहाँ पे एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है देखिए ऑयल स्पिल की घटनाएं जो है होती रहती हैं लगभग हर साल कहीं ना कहीं पे ऐसा इशू आता है ऑयल स्पिल क्या है मान लीजिए कोई ओशन है वहाँ पे आ, कोई आपका शिप जा रहा है ऑयल टैंकर वगैरह लेके आ, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो ऑयल है वो ओशन के वाटर के ऊपर आपका फैल जाता है ना और उसकी वजह से पूरा जो ऑयल इस तरह से फैल रहा है उसकी वजह से वहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं है ना मरीन एनिमल्स हैं या प्लांट स्पीशीज हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं क्लियर वाटर पॉल्यूट होने लग जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या है हजार है तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए हाउ ऑयल स्पिल्स आर क्लींड ये मेन्स में भी पूछ सकता है जीएस पेपर वन में आपको जीएस पेपर वन में मेन्स में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ट्यूब वेज हैं जैसे स्कीमिंग हो गया है ना इन सीटू मतलब उसी जगह पे बर्न उसको कर देना आगे ज्यादा फैलने की बजाय उसी जगह पे इन सीटू वहीं पे बर्न कर देना रिलीजिंग द केमिकल डिस्पर्सेंट स्मिंग क्या होता है रिमूविंग द ऑयल फ्रॉम द सी सरफेस सी सरफेस से ऑयल को रिमूव करना इससे पहले कि वो सेंसिटिव एरियाज में फैलना स्टार्ट करे उसको वहीं से आप हटा देते हैं जैसे घर पे होता है ना कुछ बिखर गया हो तो ज़्यादा फैलने से पहले हम वहीं पे उस पर कोई फालतू कपड़ा लिया वहीं पे साफ कर दिया उस तरीके से इसको हटाना इन सिटू बर्निंग तो आप समझ ही गए होंगे इन सिटू का मतलब होता है उसी जगह पे एक्स एक्सिटू होता है मतलब दूसरी जगह एक्स एक्सटू में क्या होगा उस ऑयल uh, को पहले आप ये जैसे स्कीमिंग के थ्रू अलग कर रहे हो फिर किसी दूसरी जगह पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इन सिटू बर्निंग में उसी जगह पे उसको बर्न कर दिया जाता है जब वो कंसनट्रेट हो गया है एक एरिया में खूब सारा तो वहीं पे उसको जला दिया जाता है रिलीजिंग द केमिकल डिस्पर्सेंट हेल्प द ब्रेक डाउन ऑयल इंटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स और फिर अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन गया है विद डिट्स में फिर वहां पर बैक्टीरिया छोड़े जाएंगे जो क्या करेंगे? उसको कर लेंगे, जैसे जैपर है, और, इसके अलावा, और बहुत सारे होते हैं जो क्या कर सकते है? को क्लीन करने में यूज होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन बायो रिमेडिएशन जिसके अंदर क्या होगा या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट्स हैं उनका यूज किया जाएगा टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ किए जा रहे हैं इनका कुछ नाम है ये तीन चार ओके ओलिस्पीरा फाइन साइक्लोक्लास्टिकस तो ये दो चार नाम हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना जोंगशानिया एंड ऑल दीज आर यूज टू तो रिमूव द कंटेमिनेंट्स इसके अलावा और कैसे हटता है ऑयल स्पिल इसके अंदर नेचुरल जो एक्शन होते हैं वो भी हेल्प करते हैं नेचुरल एक्शन इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो नेचुरल एक्शन हो रहे हैं ये भी आपको हेल्प कर रहे हैं जैसे वेदरिंग हो गया ओके okay, बायोडिग्रेडेशन है ऑक्सीडेशन है एक्सेट्रा तो नेचुरल प्रोसेस इज ऑल्सो हेल्पफुलयर दीज अकर डिफरेंटली इन फ्रेश वाटर मरीन एन्वायरमेंट में दोनों में अलग अलग होते हैं और इन चीज़ों को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए तो इसमें आपको ध्यान रखना है बायो रिमेडिएशन क्या होता है इन बैक्टीरिया का नाम ध्यान रख लीजिए वाट आर द डिफरेंट वेज टू क्लीन द ऑयल स्पिल्स जिसपे एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है खैर मेंस पे हमारा अभी फोकस नहीं है वी आर ओके फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एस्पेक्ट हियर यस वी आर कवरिंग ऑल द करंट अफेयर जो कि आपके जनवरी से कवर हो रहा है जनवरी 2021 से हम अप्रैल तक आपका कवर करेंगे ठीक है टफ फिश थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक ये जो है ये फिश आपकी न्यूज़ में थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है उसमें भी ये सरवाइव कर सकती है ना इस वजह से ये uh, चर्चा के अंदर रही ये फिश जो है आपकी ये चर्चा में रही uh, क्या ये कहना चाह रही थ्री स्पाइंड स्टीकल बैक ये फिश है दिस इज नेटिव टू मोस्ट इनलैंड एंड कोस्टल वाटर्स नॉर्थ ऑफ थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री नॉर्थ अगर ये जैसे इक्वेटर हो गया फिर यहाँ पर आपका लगभग थर्टी डिग्री आएगा है ना तो ये ट्रॉपिकल हो गया सब ट्रॉपिकल एरियाज आर देयर थर्टी डिग्री नॉर्थ के अंदर आपको मिल जाएगा क्या इसकी खास बात है मोस्ट पॉपुलेशंस आर एनाड्रामस एनाड्रामस का क्या मतलब होता है ये रहते तो सी वाटर में है लेकिन ब्रीडिंग के लिए कहाँ पे आते हैं फ्रेश या ब्रैकिश वाटर में आते हैं ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर में सेलिडिनिटी बहुत कम होती है थोड़ी सी सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो वो ब्रैकिश वाटर हो जाएगा सलाइन वाटर के अंदर सेलिंडिटी और ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से ये है इट कैन अडेप्टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ही एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको ये आपका सर्वाइव कर सकती है तो उस कॉन्टेक्स में ये आपका न्यूज़ में रहा था एक और है वी हैव दिस मिस केरला ये है आपका डेनिसन बार्ब है ना डेनिसन बार्ब क्या है एक मछली है और इसको मिस केरला भी कहा जाता है तो इसके अंदर अभी बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था इसको अंडेंजर डिक्लेयर कर दिया था और एंडेंजर डिक्लीयर करके इसको वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है जो हम शुरू से फर्स्ट क्लास से मैं आपको बताता आ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन के अंदर शेड्यूल वन मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन वाले शेड्यूल में रख दिया और इसको एंडेंजर डिक्लियर कर दिया ठीक है तो इस वजह से क्या हो रहा है ये कर्नाटक केरल के जो पार्ट्स में मिल रही है वहां पे क्या किया जाता है लोग इनको आ, जो भी हैं काफी बिजनेस परपज के लिए है ना जैसे एक्वेरियम हो गया उसके लिए इन सब के लिए इनका क्या किया जाता है इनको रखा जाता है ओके ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड के पर्पज़ से इनका यूज़ किया जाता है तो वो कह रहे हैं कि अब हम अब हमारा जो ट्रेड है वो कैसे करेंगे और ये बहुत अच्छे मात्रा में मिल रही हैं ऐसा नहीं है कि एंडेंजर है इनको करने की जरूरत नहीं थी इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि डेनिसन बार्ब मिस केरला या डेनिसन बार्ब क्या है कहाँ मिलता है केरल कर्नाटक के अंदर मिल रहा है क्या ये फ्रेश वाटर है तो ये फ्रेश वाटर फिश है ठीक है ना फ्रेश वाटर के अंदर मिलेगा तो दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर इसको शेड्यूल वन में इंक्लूड कर लिया गया है ये भी आप ध्यान रखिए तो इसका वो लोग विरोध कर रहे थे जो भी इस फिश ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो अगर इसको पकड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या होगा लीगल एक्शन होगा क्योंकि इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपने दे दी दिहांग पटकाई इसको आ, आसाम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपने स्टेट का सेवंथ नेशनल पार्क है ना नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है तो आसाम में इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क है वो सात हो गए हैं कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है बता सकते हैं नेशनल पार्क आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है ना याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम गवर्नमेंट ने दिहांग पटकाई को करा तो ये जो दिहांग है ये तो रिवर है दिहांग रिवर और पटकाई एक तरह की हिल्स हैं तो ये जो नेशनल पार्क वाला एरिया है वहाँ पे उसी ये जो रिवर है और पहाड़ है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा दिहांग पटकाई दिस इज लोकेटेड समवेयर हियर इन द आसाम क्लियर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास का ये पूरा एरिया है और इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं दिहांग पटकाई को ये आप ध्यान रखिए और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कौन कौन से रेयर इसके अंदर एनिमल्स मिल रहे हैं चाइनीज पेंगोलिन भी यहाँ पे मिल रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाइनीज पेंगोलिन मिल रहा है जो कि आपका क्रिटिकली एंडेंजर आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर ही होगा एंडेंजर और क्रिटिकली एंडेंजर में होना चाहिए पेंगोलिन मैंने आपको पढ़ा रखा है चाइनीज पेंगोलिन कौन सी कैटेगरी है मतलब उसका थ्रीट परसेप्शन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडियन पेंगोलिन तो चाइनीज पेंगोलिन भी यहाँ पे मिल रहा है फ्लाइंग फॉक्स मिल रही है ठीक है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सीरो यहाँ पे मिलते हैं सीरो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सीरो यहाँ आसाम में भी मिलेगा और उधर हिमाचल की तरफ भी मिल रहा है क्लियर मलायन जॉइंट स्कल मिलते हैं ये तो अभी हमने पढ़ा ही है अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं सो यू शुड नो दीज थिंग्स और जहाँ तक आपके नेशनल पार्क की बात है नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना बायोसफी रिजर्व में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं कोर एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आ, नेशनल पार्क में तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे परमिट नहीं की जा रही है ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं की जा रही है एक्सेप्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है वो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत जो कट कंडीशन है उसमें अलाउ करेंगे अदरवाइज यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है तो नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में आता है ये हुआ आपका दिहांग पटकाई एंड वी हैव दिस और रिसेंटली इसके साथ ही थोड़े आ, समय पहले राई मोना रिजर्व फॉरेस्ट है इसको भी नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया था तो राई मोना नेशनल पार्क भी आपका किस में आ जाएगा आसाम में आ जाएगा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश में क्वेश्चन मैंने पूछा था सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है मध्य प्रदेश के अंदर आपके सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं क्लियर एंड बारह नेशनल पार्क है, uh, है मध्य प्रदेश में फॉलोड बाय द अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे आपके नौ हैं आसाम तीसरे नंबर पे आ जाता है तो नेशनल पार्क वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आप धीरे धीरे अगर स्टेट वाइज याद करोगे तो याद हो जाएंगे और अगर आपने याद किया है तो आप दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके ही जाओगे है ना इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आप कहोगे सर इतने सारे हैं सो नेशनल पार्क है बड़ा मुश्किल है इम्पॉसिबल है आपने तो टाइगर रिजर्व भी बता दिए पचास टाइगर रिजर्व हैं ऑलमोस्ट फिफ्टी जो है रामसर साइड्स भी हो गई हैं हाउ डू वी सपोज टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल क्लियर ये सब एक्सक्यूजेज हैं क्योंकि आपके कॉम्पिटेटर वो चीज करके जाएंगे क्योंकि उनको पता है यूपीएससी कैसे पूछ रहा है एनवायरमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सो दे वुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स फाइन तो अच्छा यही है कि आप उसको कर लो एक्सक्यूज देने की बजाय तरीका मैंने प्रीवियस क्लास में तीन चार बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना निमोनिक बनाइए लूज पेपर शीट पे उसको लिख लीजिए प्रब्लम्स आने के एक महीने पहले उनको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए तो ये हो गया राई हो गया देहांग पटका ही हो गया और कौन से नेशनल पार्क है काजीरंगा आप सभी ने सुना हुआ है मानस है नामेरी ओरांग, डिब्रू साइक ये सब है ये एक बार इस पिक्चर में देख लीजिए आपको दिख जाएगा ये तो हो गया डिब्रू साइक ओके okay. डिब्रू साइ नेशनल पार्क इज एंड वी हैव काजीरंगा फिर आपका इधर ये मानस आ जाता है ये ओरांग नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है आ, पॉबी तारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो देयर तो ये आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं काजीरंगा और मानस है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इनको डिक्लेयर किया हुआ है ओके okay. और टाइगर रिजर्व की बात करें दे आर ऑल्सो टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विद नामेरी एंड और भी टाइगर रिजर्व है ठीक है दिस मच यू शुड रिमेम्बर एटलीस्ट आगे हम चलते हैं दिपोर बिल ये रामसर वेटलैंड साइट है है ना दिपोर बिल जो है आपके आसाम में सिचुएटेड है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और ये भी चर्चा के अंदर थी तो इसका ध्यान रखिए रामसर वेटलैंड साइट है और असम में सिचुएटेड है एटलीस्ट इतना आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिमलीपाल फॉरेस्ट है, है यहाँ पे फायर हुआ था फॉरेस्ट फायर हुआ था और फॉरेस्ट फायर की वजह से जुकोव वैली जो थी नागालैंड वाली जुकोव वैली वो भी मैंने कराया था ये भी है फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज़ में है तो सिमलीपाल फॉरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए ये आपका नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है तो ये आई थिंक अभी ज़्यादा विजिबल हो जाना चाहिए ये उड़ीसा आपको दिख रहा है वी हैव द सिमली पाल हेयर ये मैंने माइक साइट जब हमने करी थी है ना एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो माइक साइट थी साइट्स वाली वो करी थी तब भी मैंने शिमली पाल का जिक्र किया था तो ये आप ध्यान रखिए सिमली पाल इज हियर ये नेशनल ये आपके जो मैप है ये क्या दिखा रहा है टाइगर रिजर्व को दिखा रहा है तो अभी नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हुए मैंने आपको टाइगर रिजर्व कराए थे लेटेस्ट कितने हो गए हैं और आपको एक होमवर्क भी दिया था टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग कि कम से कम आपको इतना सा तो करना है तो दिस इज द थिंग सिमलीपाल नेशनल पार्क है uh, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इट इंक्लूड्स द थ्री प्रोटेक्टेड एरिया सिमलेपाल टाइगर रिजर्व हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलधिया दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमने किए थे माइक साइट के टाइम पे भी सिमलीपार नेशनल पार्क जो है यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्री मिलता है तो कोई यूनिक प्लांट या कोई यूनिक एनिमल स्पीसीज मिल रही है उसका ध्यान रखिए तो यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्री आपको मिल रहा है प्रोटेक्टेड एरिया इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम के अंडर में कुछ जो इंडिया के जो एरियाज हैं है ना उनको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐड किया गया है तो इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वो आपको करना है ये आज आपका होमवर्क हो गया हाउ मेनी आर देयर आर अट्ठारह हैं पच्चीस हैं तीस हैं कितने हैं ये आप करिए क्लियर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ये टाइगर रिजर्व आपको दिखाई रहा है क्लियर मिलनिस्टिक टाइगर यहाँ पे ये मिलनिस्टिक टाइगर मिल रहा है ना तो मिलोनिस्टिक टाइगर क्या है एक तरह का रियर जीन पुल की वजह से है जिसके अंदर क्या होता है धारियाँ टाइगर में क्या होती है काली और पीली धारियाँ हैं तो जो काली धारियाँ हैं ये जो स्ट्राइप्स हैं ये ज़्यादा चौड़ी होती है. काली धारियाँ ज़्यादा बड़ी होंगी इन कंपेरिजन टू येल्लो स्ट्राइप्स या जो ऑरेंज स्ट्राइप हैं इसकी वजह से तो इस वजह से ये क्या होता है काले दिखाई देते हैं लेकिन ये आ, ऐसा नहीं है कि ये काले हैं सो दिस इज़ द थिंग और ये यहाँ पे आपके सिमली पाल के अंदर मिल रहे हैं ये न्यूज़ में क्यों आया था आ, क्योंकि यहाँ पे जब ये फॉरेस्ट फायर लग गया था आग लग गई थी तो ये था कि ये जो आपके मेलोनिस्टिक टाइगर हैं ये जो ब्लैक टाइगर आपको दिख रहा है इसकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है तो उस कॉन्टेक्स में ये ब्लैक टाइगर की बात हुई थी सो दिस इज द थिंक और ये केवल और केवल कहा मिल रहा है ब्लैक टाइगर उड़ीसा के अंदर मिल रहा है नेक्स्ट uh, हमारे पास है रिसर्चर्स फाइंड एंटी कैंसर एक्टिविटी इन मरीन सी ग्रास तो ये जो मरीन सी ग्रास है एक तो ये क्या होते हैं और इसके अंदर ये एंटी कैंसर एक्टिविटी किस वजह से आ रही है ये चीजें ध्यान रखिए इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एक्टिविटी आ रही है इथाइल एसीटेट की वजह से इथाइल एसीटेड की वजह से इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एक्टिविटी देखने को मिल रही है और ये जो सीग्रास है ये रामेश्वरम मतलब तमिलनाडु का जो पोस्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और हर तरह के कैंसर में इसका यूज़ देखा जा रहा है काफ़ी स्ट्रांग एंटी कैंसर एक्टिविटी है जिस वजह से ये न्यूज़ में था एंड सी ग्रास इज़ वन ऑफ़ द ग्रुप ऑफ मरीन एन जी ओ ये होते हैं जो पूरी की पूरी अपनी लाइफ कहाँ पे है पानी के अंदर गुजार देते हैं मतलब सब मर्ज पानी के नीचे रहेंगे पूरी लाइफ वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशनस हैं अगर आप देखोगे जैसे मसल पेन हो गया एट्सट्रा एट्सट्रा एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस तरह से हो रही हैं काफ़ी सारे इसके अंदर टैनिन फिनॉल एल्केलाइड स्टीरोड्स वगैरह मिल रहे हैं तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए फिनॉलॉ वगैरह ये तो इन जनरल मिल ही रहा है ऑलमोस्ट सभी में मिल जाता है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं गवर्नमेंट ने उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऐप निकाली है ताकि नो फिशिंग जोन के बारे में पता चले जो भी फिशिंग कर रहे हैं मछुआरे हैं उनको पता चल जाए यहाँ पे फिशिंग करना भी अलाउ नहीं है क्यों अलाउ नहीं, नहीं है क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ओलि रेडले टर्टल्स क्या करते हैं नेस्टिंग करते हैं लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ नेस्टिंग करने के लिए आते हैं ऑलि रेडले टर्टल हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं इसलिए इस टॉपिक को हम वापस नहीं ले रहे हैं गहिर माथा वाइल्ड मरीन सेंचुरी भीतर कनिका नेशनल पार्क ये सब इसके पार्ट हैं ये ऑलि रेडले आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वी हैव न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट इन छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में एक नई स्पीशीज मिली है क्रिकेट की और जनरली आप देखेंगे कि बारिश के टाइम पे ये जो है इनकी साउंड सुनाई देती है अर्बन एरिया में तो अभी बहुत मतलब कम होती जा रही है चीज़ें आ, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे किसी शांत सी जगह पे जंगल में गाँव में फार्म हाउस पे तो आपको ये सुनने को मिलेंगी आवाज़ सो so, ये जो नई स्पीशीज़ मिली है स्पाइडर क्रिकेट की ये आ, क्या इसकी खास बात है क्या नाम है और क्रिकेट बेसिकली क्या ये कुछ चीज़ें कुर्रा है। केव्स हैं छत्तीसगढ़ की कुरा केव्स हैं वहाँ पे ये मिल रही है और इसका जो नाम है जयंती सब जीनस की ये हैं ओके जयंती सब जीनस की हैं अंडर द जीनस ऑफ दिस आर्कनॉमिनस ओके आर्कनॉमिनस के अंडर में ये आपको मिल रहा है आ, ये आप ध्यान रखिएगा देखने में ऐसा लगता है इसके अंदर क्या है क्रिकेट्स आर नोटिसेबल फॉर देयर लाउड कॉल बहुत ही तेज इनकी साउंड होती है ना रात के टाइम पे बारिश में आपने देखा होगा बहुत तेज शार्प साउंड होती है लेकिन आ, ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्यों करते हैं ये जनरली मेल क्रिकेट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अपने जो विंग्स होते हैं है ना दोनों विंग्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर इसको रब करके ये साउंड प्रोड्यूस की जाती है टू अट्रैक्ट द फीमेल्स लेकिन यहाँ पे ये जो हमें नई जो स्पाइडर क्रिकेट मिल रही है जयंती सब जीनस वाली यहाँ पे ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते और फीमेल के ईयर भी नहीं होते हैं। जब उनके ईयर ही नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस करके क्या करेंगे गेटिंग दिस इसका रीजन क्या बताया गया इसका रीजन ये बताया गया कि ये जो कुर्रा केव्स हैं यहाँ पे आपकी लाइट ही नहीं है अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस उसकी वॉल पे ये मिल रहे हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके हैं वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन इनके रहते हैं इन कंपैरिजन टू तो ये जो साउंड है साउंड के बेसिस पे कम्युनिकेशन की जगह ये वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन करते हुए देखे जाते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे so क्रैश कोर्स है इसकी क्लासेस डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे शाम को सात बजे होती है और मंडे टू सैटरडे हम क्या कर रहे हैं करंट अफेयर कर रहे हैं और संडे को एक बड़ी क्लास होती है लगभग तीन घंटे के आसपास जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इकोनॉमी कर रहे हैं सो आई एम टेकिंग करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में स्ट्रैटिक पोर्शन करेंगे करंट अफेयर जहाँ की बात है यहाँ पे हम इन्वायरमेंट इकोनॉमी है ना जो भी डायनामिक सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक हो गया आई हो गए पॉलिटी हो गए इन सब के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे और करंट अफेयर का जो कवरेज है वो रहेगा आपका दिसंबर ही मान लीजिए दिसंबर 2020 से हम कवर कर रहे हैं और पूरा 2021 भी कवर करेंगे and be covering till यहां तक आइए यह आपका कवरेज रहेगा मिनिमम 18 महीने का कवरेज हम देंगे और अगर हमारे पास टाइम मिलता है आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कवर इट अप टू ईयर्स ताकि एक रॉक सॉलिड आपका कवरेज हो जाए करंट अफेयर के कॉन्टेक्ट के अंदर सो दिस इज़ द थिंग जहाँ तक करंट अफेयर की बात है जो सोर्सेज हैं आपके और जो भी न्यूज़पेपर्स हैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट हो गई है ना डाउन टू अर्थ और, और कई जगह से जहाँ से भी न्यूज़ होती हैं रेलिवेंट आपकी ली जा रही हैं सो दिस इज़ ऑल पी जो है इस सेशन की आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशनस होते हैं उसके रिगार्डिंग या आपकी कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं ये टेलीग्राम कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये लिंक दिया हुआ है या आप डायरेक्ट नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हो ठीक है सो दिस इज ऑल ये आपका हो गया है। इसके अलावा अन की तरफ से आपको ऑफर की जा रही है टेस्ट सीरीज केवल अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो प्रोलिम्स के लिए जिसके अंदर जीएस और सी सेट दोनों इंक्लूड है तो इसके लिए आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो का इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है थ्री की फी के साथ आप जा सकते हो अगर एक साल के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो डबल टेस्ट देना चाह रहे हो तो फोर इसकी फीस है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज मॉर्निंग क्लास को हम कल से रिज्यूम कर रहे हैं वापस से आपकी जो मॉर्निंग क्लासेस थी अभी वो नहीं हो पा रही थी सो वी आर रिज्यूमिंग ऑल द मॉर्निंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्स जो सुबह सात बजे होती है इसके अलावा जिन भी बच्चों के डाउट हैं ना आपके काफ़ी सारे डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट को क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है सो द थिंक इज दैट यू कैन आस्क जैसा ऑफलाइन में पूछते हो उस तरह से आप पूछ सकते हो तो इसके लिए आपके डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग के अंदर सवा आठ बजे एट फिफ्टीन एम पे मॉर्निंग के अंदर आपके डाउट्स मैं डेली लूँगा अब कल से आपके स्टार्ट होंगे है ना तो ये फ्री सेशन है यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो आई विल बी शेयरिंग द लिंक अभी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो उसमें आप एंटर हो जाना ओपन हाउस के नाम से वो रहेगा कुछ भी जो आपके डाउट है करंट अफेयर के रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक्सेट्रा वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो ठीक है और कोई आपका डाउट या आपके फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर संडे को इसके लिए आप जा सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी सब्सक्रिप्शन uh, आप लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जब आप उस पर क्लिक करोगे यू विल बी गेटिंग दीज प्लान्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं पुट द कोड आर बी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सो मेक श्योर वाई गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग द कोड आर बी लाइव दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वी आर वर्किंग ऑन दैट मॉर्निंग वाली क्लास है ना अनेबल टू एंटर इन टू ओपन आवर सेशन एक बार आप अपनी ऐप को है ना रिफ्रेश कर लो जितने भी बच्चे हैं ना आपके एनअकेडमी वाली जो ऐप है उसको एक बार आ, या तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दो या फिर उसको अपडेट अगर वो ले रहा है तो उसको अपडेट करो क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आ रही है ना सो so, उसके बाद डेफिनेटली आप कर पाओगे नहीं अभी आज आपकी एम वाली क्लास नहीं है क्लियर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है आपकी ये कुछ बेनिफिट हैं आइकॉनिक में पर्सनल कोच हो गया लाइव मेंटरशिप हो गई ये सब और ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं केवल ऑप्शनल के लिए अगर आप जा रहे हो लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर इसके साथ भी आप जा सकते हो नए बैचेज तेईस फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं इनके लिए भी आप जा सकते हैं सो दिस इज़ ऑल स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आप ले लीजिए फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है इनका आप बेनीफि ले सकते हो दिस ऑल फॉर टूडे All the very best. Please do share this session. Okay. Uh, share, like, and subscribe for more exam related updates. So, good night and take care. Okay. We'll be meeting in tomorrow's morning class. Okay. Daily News Analysis.